सो हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लविश पी एस प्लैनेट। आज हमारे पास है पाइनियर के ट्विटर्स, इसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास मॉडल है वो है TSS 250। इसका एक और मॉडल आता है TS 20, जो कि बहुत ही फेमस है और लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसके बॉक्स को अभी ओपन करते हैं और आपके लिए एक और सरप्राइज की बात बता देता हूँ कि ये वाली कॉपी है। क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या? यही रिएक्शन होगा कई लोगों का लेने के बाद। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी मेरा भाई इस फ्रॉड में ना फंसे। तो इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स की पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है और खोलते ही जो है दो ट्विटर हमारे सामने आ जाते हैं। तो पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब भी आप बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले वारंटी कार्ड निकलता है, उसके बाद यूज़र मैनुअल निकलती है और उसके बाद जाके हमारे ट्विटर्स आते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब आप ले रहे हो, इसमें सिर्फ दो ट्विटर्स ही दिए हुए हैं और कुछ नहीं है। इसका जो प्राइस है वो है 200 के अंदर अंदर, बाकी आपके एरिया के पे डिपेंड करता है। और इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है। हाँ, एक चीज़ है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो जो छोटे छोटे से ट्विटर्स आते हैं उनसे काफ़ी अच्छी है। ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ी सी कम है, लेकिन जो बिल्कुल ही 100-120 के आसपास आते हैं उनसे थोड़ी सी बेटर है। ये देखिए, स्टिकर की पेस्टिंग भी इन्होंने उल्टी सीधी दी हुई है। और बाकी इसके पीछे तो सेम उन्होंने कॉपी किया है, ऊपर की तरफ भी सेम। थोड़ा सा वेट भी इसका कम है, इससे आप भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसकी जो ब्रांडिंग है शायद ही आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी हल्की दी हुई है इन्होंने, जल्दी ही रब हो जाएगी। जो ओरिजिनल पाइनियर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप ट्विटर्स ले रहे हो तो वारंटी कार्ड देख के ही लें। और थोड़ी सी इसकी हम साउंड क्वालिटी दिखा देते हैं हम आपको, उससे पहले थोड़ा से बॉक्स की तरफ देख लेते हैं। बॉक्स सेम बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है जैसे ओरिजिनल में होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिखा दूंगा आपको, इसमें प्राइस नहीं मेंशन किया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो परफॉर्मेंस आपने इसकी देख ली है और अब बात आती है कि इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। ये वाले जो ट्विटर्स हैं, अगर आप कार वाला सिस्टम घर पे लगाना चाहते हो एज आ होम थिएटर, उसमें आप ये ट्विटर्स यूज़ कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट स्टीरियो के साथ। एम्पलीफायर पे तो आप इसे ना ही चलाएं तो ही अच्छा है, स्पीकर के साथ इसकी मैचिंग अच्छी हो जाती है। कार में थोड़ा सा इरिटेट आपको ये कर सकता है जो साउंड क्वालिटी को प्यार करते हैं। जिनके स्टॉक स्पीकर्स हैं वो चाहते हैं थोड़ा सा उनको ट्रेबल मिल जाए, वो भी इसे लगा सकते हैं। बाकी डिसेंट सी क्वालिटी है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।